हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट फिफ्थ, जिसमें हमें दो शॉर्ट फिक्शंस को पढ़ना है, जिसमें से पहला है आपका भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया अमृतसर आ गया, एंड देन नेक्स्ट है जिसको महाश्वेता देवी ने लिखा है, जिसका टाइटल है द हंट। तो इस वीडियो में हम द हंट को कवर करेंगे, एंड देन जो बीए फोर्थ सेम की इंग्लिश की बाकी की यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट फर्स्ट टू फोर्थ और उसके अलावा जो यूनिट सिक्स है वो भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल पे सारी ही सेमेस्टर की एक हिस्ट्री पॉलिटी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टाइटल द हंट। तो सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं ऑथर से रिलेटेड। जो महाश्वेता देवी हैं, इनका जन्म बांग्लादेश ढाका में हुआ है 1926 में, ठीक है, और एक राइटर्स की फैमिली से ये बिलोंग करती है। इनकी जो फैमिली है उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो राइटर्स और सोशल वर्कर हैं। ठीक है, इनके जो फादर हैं मनीष घटक, जो कि एक पोएट हैं और एक नॉवेलिस्ट हैं, और इनकी जो मदर हैं धरित्री देवी, वो एक सोशल वर्कर हैं, साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी फैमिली में इनको राइटर्स मिल जाते हैं, तो इनकी जो स्कूलिंग रही है या जो इनका चाइल्डहुड रहा है उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने अपने पेरेंट्स से ही सीखा है। महाश्वेता बिगिन हर एजुकेशन, तो इन्होंने जो अपना एजुकेशन लिया है वो ढाका में ही लिया है। उसके बाद की पार्टीशन के बाद में शी एंड हर फैमिली रिकॉलेटेड टू वेस्ट बंगाल इंडिया। अब उसके बाद में देखिए, तो पार्टीशन के बाद में इनकी फैमिली यहीं ढाका बांग्लादेश में लोकेट हो जाती है, लोग यहीं पर शरण ले लेते हैं, एंड शी रिसीव हर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड बैचलर डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स। तो इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन से इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की, मतलब ढाका में ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है, और उसके बाद में जो बैचलर डिग्री इंग्लिश ऑनर्स की है वो इन्होंने शांति निकेतन से की है। उसके बाद में इन्होंने एमए किया है, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी इन्होंने इंग्लिश में ही किया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और इनकी डिटेल्स या इनके और वर्क्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ हम वो देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे जो फिक्शन है इसकी सामरी की। देखिए वैसे जो इनके राइटिंग का मेन थीम रहता था वो या तो माइनॉरिटी ग्रुप्स रहा करते थे, या इंडियन सोसाइटी हो गई, या उसके अलावा जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी लाइफ हो गई, या हाउ दे लॉस्ट देयर लैंड, इस तरीके के टॉपिक हमेशा हुआ करते थे इनकी राइटिंग्स में। इसके अलावा ना इन्होंने लोगों की हिस्ट्रीज पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जैसे कि 1956 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई थी जिसका कि टाइटल था झांसी की रानी, ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन ए बायोग्राफी ऑफ द रानी ऑफ झांसी। जो झांसी की रानी थी, जो वहाँ की क्वीन थी, उनकी जो बायोग्राफी थी वो इन्होंने इस बुक में पब्लिश की थी। ठीक है, अब देखिए और भी इन्होंने काफ़ी सारे नॉवल्स लिखे हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ये पीडीएफ, वहाँ से आप इनको एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है कि इनका जो भी वर्क है वो आपको ऑप्शन में मिल सकता है एलिमिनेट करने के लिए, या फिर हो सकता है कोई तीन एग्जांपल किसी और राइटर के हों या उसमें से एक वर्क इनका हो, तो वो आपको पहचानना है, और क्या क्या ऑनर इनको मिल चुके हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। इनका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम देख चुके हैं। स्टोरी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो देखिए अब ये जो स्टोरी है बंगाली में लिखी गई है, इसकी भी जो थीम है वो लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल है, और बेसिकली इसमें जेंडर रोल, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरीके की थीम्स पे बात की गई है। अब जो मेन हमारे पास कैरेक्टर है, सबसे पहला कैरेक्टर है मैरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है जालिम, एंड तीसरा कैरेक्टर है भिकनी, जो कि मैरी की मदर है। फोर्थ कैरेक्टर है यहाँ पे प्रसाद जी, जो उस घर के ओनर हैं जिसमें मैरी और उसकी मदर काम करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टर है वो है कलेक्टर सिंह। ठीक है, अब देखिए ये स्टोरी उस समय की है जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, जो इंडिया है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे जो ब्रिटेन से एक व्यक्ति आए हुए थे डिक्सन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो मैरी की मदर हैं भिकनी, उनको देखा और उनको काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करने लगते हैं। और होता क्या है कि भिकनी और जो डिक्सन हैं उनके बीच में कुछ मतलब रिलेशंस रहते हैं कुछ समय के लिए, जिसके बाद जो भिकनी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वही उनकी जो बेटी है मैरी ओलन वो डिक्सन और भिकनी की बेटी है। तो उसको एक इलेजिटिमेट डॉटर यहाँ पर माना गया है, मतलब क्योंकि जो भिकनी है और जो डिक्सन है उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, बट यहाँ पर जो भिकनी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इस वजह से मैरी जो उनकी डॉटर है वो एक इलेजिटिमेट डॉटर है। ठीक है, अब क्योंकि वैसे तो जो मैरी की मदर है भिकनी वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है, तो वो दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी या इतनी ज़्यादा टॉल नहीं थी, थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, बट क्योंकि जो इसके फादर हैं वो एक वाइट मैन थे, तो इस वजह से जो मैरी है वो काफ़ी एक सुंदर और अट्रैक्टिव लड़की है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो टॉल है और उसका कॉम्प्लेक्शन एकदम वाइट है, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है, वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो क्योंकि जब डिक्सन यहाँ से चले जाते हैं तो डिक्सन के जाने के बाद में उस बंगलों को, उस घर को खरीद लेते हैं प्रसाद जी। अब देखिए प्रसाद जी की एक शर्त थी कि वो मैरी को और भिकनी को उनके घर में काम करने के लिए तभी अलाउ करेंगे जब वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दें, क्योंकि भिकनी जो थी मतलब जो मैरी की मदर हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था डिक्सन से मिलने के बाद, बट प्रसाद जी की ये शर्त थी कि अगर वो इस बंगलों में काम करना चाहती हैं तो उनको वो क्रिश्चियनिटी छोड़नी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अपने उस काम को, अपने उस जॉब को कंटिन्यू रख पाएँ, वो दोनों ही मैरी ने और भिकनी ने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर छोड़ दिया था, और वो प्रसाद जी के घर में ही रहती हैं, उसके घर का जो सारा काम करती है मैरी, उसके अलावा बाज़ार से सब्जियाँ लाना, फल लाना, फिर उनको एक तोहरी मार्केट में बेचना, ये सारी चीज़ें मैरी खुद से मैनेज करती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा कैरेक्टर है भिकनी, जिसके बारे में हमने बात की कि मैरी की मदर हैं,
और वो डिक्सन के बंगलों में काम किया करती थी आज़ादी से पहले। 1959 में डिक्सन का जो बेटा है वो यहाँ पर आता है और उनको प्रेग्नेंट करके चला जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा जालिम, तो देखिए जो जालिम है वो व्यक्ति है जो कि मैरी से प्यार करता है, और जो मैरी और जालिम है उन दोनों ने डिसाइड किया हुआ है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और जिस दिन वो 100 रुपीज़ अर्न कर लेंगे उस दिन वो दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, अब जो प्रसाद जी हैं उनके बारे में हमने अभी बात की कि वो कौन है, वो जो डिक्सन का बंगलो है उसके करंट ओनर हैं प्रसाद जी। ठीक है, क्योंकि डिक्सन के बेटे ने जब उस घर को बेचा था तो प्रसाद जी ने वो घर उनसे खरीद लिया था, और जो डिक्सन है उनकी पूरी फैमिली है वो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो कलेक्टर सिंह है वो एक ब्रोकर है जो कि क्या करता है, प्रसाद जी से साल जो साल के वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियाँ खरीदता है और गाँव के लोगों को कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट देता है और यहाँ से मतलब जो लकड़ियाँ हैं वो लेकर के चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो मैरी को भी चेज़ करता है, वो भी मैरी से शादी करना चाहता था या उसको परेशान करना चाहता था, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गए हमारे मेन कैरेक्टर, अब हम चलते हैं समरी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कि मैरी ने यहाँ से ट्रेन ली है टू तोहरी विद वेजिटेबल्स फ्रॉम दी फील्ड, मतलब उसने फील्ड से पहले वेजिटेबल्स को चुना है और वो तोहरी मार्केट जा रही है उनको बेचने के लिए। अब जैसे ही वो घर से निकलती है मार्केट की तरफ तो लोग उसको मतलब वहाँ पर लोग उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि वो एक हाफ वाइट वुमन है। ठीक है, ना तो वो पूरे की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी से मैच करती है ना ही एक वो वाइट पर्सन की तरह दिखती है क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स अपनी मदर से हैं और कुछ अपने फादर से हैं। अब जो प्रसाद जी हैं वो बिकनी को काफ़ी अच्छा पे करते हैं। अब उसके बाद में जो मैरी है, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा कि इनको अपनी क्रिश्चियनिटी छोड़नी पड़ती है इस वजह से क्योंकि प्रसाद जी चाहते थे अगर वो उनके घर में काम करे तो उनको क्रिश्चियनिटी छोड़नी पड़ेगी। तो जो मैरी है वो प्रसाद जी के घर में पहले जितने भी नौकर काम करते थे उन सबका काम वो मिलकर अकेले कर लेती है। बहुत ज़्यादा मेहनती है वो, बहुत हार्डवर्किंग है और बहुत सारा काम वो बहुत ही जल्दी कर लेती है। तो इस वजह से जब से मैरी ने सारा काम संभाला है प्रसाद जी ने अपने घर में जो नौकर थे उनकी संख्या कम कर दी है। अब देखिए जब मैरी जाती है तोहरी मार्केट में तो सभी लोग वहाँ पर उसको इस तरीके से देखने लगते हैं जैसे कोई क्वीन वहाँ पर आ गई हो। ठीक है, अब मतलब लोगों की नज़रें नहीं हटती हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। जालिम सेव सर फ्रॉम रतन सिंह, अब इसी सीक्वेंस में एक रतन सिंह नाम से व्यक्ति होता है जो उसको मतलब सॉरी मैरी का पीछा करने लगता है, मैरी को परेशान करने लगता है, तो जालिम उसको वहाँ से बचा लेता है। अब दोनों ने डिसाइड किया है कि जब भी वो 100 रुपीज़ अर्न कर लेंगे और सेव कर लेंगे तब वो शादी कर लेंगे। मिसेस प्रसाद लुक फॉर अ मैच फॉर हर गार्डनर सन। अब जो मिसेस प्रसाद हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं कि जो उनका गार्डनर है उनके लिए मतलब गार्डनर का जो बेटा है उसके लिए एक मैच ढूंढ रही हैं। तो मैरी ने मना कर दिया कि वो कोई भी इस तरीके से शादी नहीं करेगी, नो लिविंग इन अ चेक ईटिंग मच, कि वो नहीं चाहती कि उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए। तो वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है, अब अपनी लाइफ को वो इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहती है। प्रसाद जी ने कहा कि फिगर्स वाइट ब्लड पीपल क्रिटिसाइजिंग हर बिकॉज ऑफ हर एंगेजमेंट विद अ मुस्लिम बॉय। अब देखिए काफ़ी सारे लोग उसको इस वजह से भी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जो मैरी है उसके रिलेशन जालिम से है जो कि एक मुस्लिम बॉय है। अब क्योंकि देखिए जो जालिम है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो जो तोहरी मार्केट है वो सारी उसी के अंडर में आती है, वहाँ का लीडर है वो। उसके अलावा जो मैरी है वो भी पूरी तरीके से एक ट्राइबल गर्ल नहीं है, तो इस वजह से लोगों को इनके रिलेशन से कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है या लोग इनको अपोज नहीं करते हैं, बट कोई भी इनके फेवर में नहीं है, सब इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब कलेक्टर सिंह आते हैं और वो मैरी को कुछ इस तरीके से परेशान करने लगते हैं कि जहाँ मैरी को डिसाइड ये करना पड़ता है कि अब या तो कलेक्टर सिंह को यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा या फिर मैरी उनको मारने की कोशिश करती है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आगे देखते हैं। अब जो कलेक्टर सिंह हैं जब वो गांव में आते हैं तो उनका यहाँ पर आने का इंटेंशन ये होता है कि जो साल ट्रीज हैं उनकी लकड़ियाँ वो खरीदेंगे और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं या यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको कुछ वक्त के लिए वो क्या करेंगे, पे करेंगे और अपने अंडर में काम के लिए रखेंगे। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गांव वाले लोगों को क्या करता है, उनको ट्रिक करने की कोशिश करता है और उनको यकीन दिलाता है कि जो कलेक्टर सिंह है वो लोगों की हेल्प करने आए हैं, बट ऐसा नहीं था, कलेक्टर सिंह इसमें अपना फ़ायदा देख रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 12 आना वो लड़कों को मतलब जो मेल हैं उनको पे करते हैं और जो वुमेन्स हैं उनसे भी सेम काम कराया जाता है, बट उनको केवल 8 आने पे किया जाता है। अब इसी सीक्वेंस में वो मिलते हैं मैरी से, जब वो प्रसाद जी के बंगलों में जाता है कलेक्टर सिंह, वहाँ पे उसको मैरी दिखती है। अब प्रसाद जी तुरंत कलेक्टर सिंह को देख करके समझ जाते हैं कि वो मैरी को किस नज़रों से देख रहा है या वो यहाँ मतलब क्या करना चाहता है। तो प्रसाद जी उसको वॉर्न करते हैं कि वो मैरी को किसी भी तरीके से परेशान ना करें, क्योंकि प्रसाद जी जानते थे कि मैरी एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, तो उसको किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, और इसलिए वो उसको अपने बंगलों में रखते थे जिससे कि बाहर की पूरी दुनिया से उसको बचा सके। पर देखिए कुछ दिन बाद होता है क्या, जो कलेक्टर सिंह है वो अपनी हरकतों से नहीं बाज आते हैं और वो मैरी का पीछा करने लगते हैं। जहाँ वो मैरी को देखते हैं वहाँ उसको परेशान करने लगते हैं, उसको टॉन्ट देने लगते हैं या उसको ये सब चीज़ें कहकर फंसाने की कोशिश करते हैं कि वही मोबाइल जैसी दिखती है। तो बदले में देखिए जो मैरी है वो उसकी इंसल्ट कर देती है, और बाद में जो बनवारी है वो जाकर के क्या करता है, प्रसाद जी से कंप्लेन करता है कि कलेक्टर सिंह की यहाँ पर इंसल्ट की गई है, पर प्रसाद जी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हाँ उनकी कोई इंसल्ट नहीं की गई है क्योंकि उनके ही इरादे सही नहीं होंगे।
अब प्रसाद जी को यहाँ पर कलेक्टर सिंह ने एक साड़ी दी और उससे कहा कि इस साड़ी को वो मैरी को दें, पर प्रसाद जी खुद रिफ्यूज कर देते हैं कि वो इस तरह की कोई भी साड़ी मैरी को नहीं देने वाली है, और मैरी उस साड़ी को फेंक देती है। ठीक है, जाकर के वो कलेक्टर सिंह के मुंह पर ही उस साड़ी को फेंक देती है और मना कर देती है वो ये साड़ी को नहीं पहनेगी या उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट कलेक्टर सिंह फिर भी नहीं मानते हैं, वो कंटिन्यूसली उसको चेस करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अब देखिए, उसी समय यहाँ पर एक स्प्रिंग फेस्टिवल होने वाला था जिसमें से मतलब जिसमें रिचुअल जो होता है मेन वो हंटिंग का रिचुअल होता है, तो सारी ट्राइब्स उसको मिलकर के सेलिब्रेट करती हैं, जिसमें कि वुमेंस भी पार्टिसिपेट करती हैं, और काफ़ी सालों तक ये चलता है जिसमें पहले मैन मतलब इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, फिर वुमेन करती हैं, मतलब दोनों का टर्न आता है। तो जैसे मैन करते हैं कि वो बाहर जाते हैं, उसके बाद में वो शिकार करते हैं, या फिर साथ में वो डांस करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सेम सारी चीज़ें वुमेंस भी करती हैं। तो यहाँ पर मैरी को एक आइडिया आता है कि वो जो स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है वो एक अच्छा समय रहेगा कि जब मैं कलेक्टर सिंह को ट्रैप कर सकती हूँ। तो मैरी ने यहाँ पे कलेक्टर सिंह को ट्रैप करने की कोशिश की और उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रपोजल के लिए मतलब सोचूंगी मैं आपके प्रपोजल के बारे में, और हम यहाँ भीड़ में या फिर यहाँ लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, हमें अकेले में कुछ समय बिताने की ज़रूरत है और तब हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैरी उनको बोल देती है कि जिस दिन वो स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा उस दिन रात को हम मिलेंगे, और यही सारी चीज़ें मैरी ने जालिम को भी बता दी होती हैं। तो जब सभी लोग वहाँ पर बिजी होते हैं उस फेस्टिवल में, उस फीस्ट में, तभी एक रॉक के किनारे कलेक्टर सिंह को मैरी बुला लेती है। और देखिए आगे क्या होता है, अब यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जितने भी मेंस हैं वो सब ड्रिंक कर चुके हैं, जो वुमेंस हैं मतलब घर में जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो बच्चों का ध्यान रखी होती हैं, जो लेडीज़ हैं वो फॉरेस्ट में शिकार के लिए जा चुकी होती हैं। तो मैरी ने उस समय वो रेड साड़ी पहनी जो कि जालिम ने उसको गिफ्ट की थी। ठीक है, उसके बाद में मैरी ने कलेक्टर सिंह को भेजा उस रॉक के पीछे, और दोनों वहाँ जा करके मिलते हैं, काफ़ी देर तक बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कलेक्टर को अब यकीन होने लगता है कि शायद मैरी उसकी बातों में आ चुकी है। इसी सब का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे मैरी ने उसका वॉलेट, उसकी सारी चीज़ें उसके पॉकेट से निकाली और उनको पहाड़ी से फेंक दिया। और इसी सीक्वेंस में वो क्या करती है, कलेक्टर सिंह को भी उस पहाड़ी से जो वो रवाइन थी वहाँ से फेंक देती है। अब उनकी सारी चीज़ें, सिगरेट, वॉलेट, उनका हैंकी, जितनी भी चीज़ें थी सबको वो फेंक देती है, और उसके बाद में वहाँ से स्टोन फेंक करके क्या करती है, वो वापस उस हंट में लौट जाती है जहाँ पे सभी लोग उस स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते थे। तो उस सभी मतलब जहाँ पे वो सभी लोग थे उस फेस्टिवल में जाकर वो सबके साथ डांस करने लगती है, सबके साथ मिल जाती है, जिससे किसी को भी इस बात का शक नहीं होता है कि मैरी या जालिम दोनों मिलकर कोई मर्डर करके आए हैं, इन्होंने कुछ भी किया है। अब उसके बाद वो 7 माइल्स चल करके चली जाती है और उस हिल तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद वो तोहरी मार्केट तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे जालिम और जो तोहरी हैं वो वापस से अपने सभी कामों में बिजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टर सिंह से उसका पीछा छूट जाता है। ठीक है, बाकी देखिए मैरी की या जालिम की शादी होती है या आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे जो पोइट हैं, जो पोइटर्स हैं, उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। इसी के साथ में हमारा ये जो फिक्शन है ख़त्म होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अमृतसर आ गया एक और फिक्शन। ठीक है।